वेलकम फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर अजमेरिया। हम बात करने जा रहे हैं आज पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं काउंसलिंग के संबंध में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त कार्य मध्य प्रदेश से जारी लेटर हैं। विषय के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज परीक्षण दिनांक 26/5/2018 नियत की गई थी, जो माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन में पटवारी नियुक्ति स्थगित किए जाने के कारण दिनांक 26/5/2018 को आयोजित होने वाली दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही स्थगित की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय के में पारित आदेश अनुसार काउंसलिंग पर लगी रोक को हटा लिया गया है, अतः दस्तावेज सत्यापन एवं काउंसलिंग की तिथि 23/6/2018 को निर्धारित की गई है। शेष कार्यवाही पूर्व में जारी निर्देशानुसार ही की जाएगी। तदनुसार अभ्यर्थियों को सूचित करें एवं आप अपने जिले की वेबसाइट पर ये नोटिस समाचार पत्रों में दर्शाने के लिए दिया गया है। और इसमें क्या क्या आपको मुख्य डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाने हैं, उनकी मैं आपको जानकारी बताने जा रहा हूँ। तो काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों को निम्न दस्तावेजों की मूल प्रति साथ लेकर आना है 23 तारीख को। तो फर्स्ट में स्नातक उपाधि की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जारी डिग्री, और सेकंड आयु संबंधी प्रमाण पत्र जैसे जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं की मार्कशीट के आधार पर, दसवीं की मार्कशीट, मूल निवासी का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है आपको, जाति का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है, और निःशक्त जनों हैं तो निःशक्त जनों का निःशक्तता का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक हैं तो भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, निर्धारित प्रारूप में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र लाना है। शपथ पत्र में आपको जो ये प्रारूप दे रखा है इसके अनुरूप लाना है। 50 रुपये के स्टाम्प्स पर आपको लिखना है, मैं, मेरा नाम, आयु, पिता का नाम, निवासी, और यह कि मेरा चयन पटवारी पद पर हुआ है, यह कि मेरा चरित्र उत्तम है। ये सारे बिंदु जो इसमें एक लगाया 11 बिंदु दिए गए हैं, इसकी आपको 50 रुपये के स्टाम्प्स पर नोटरी करवाना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। सो थैंक्स फ्रेंड्स, आपको मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जानकारी बताई।